नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। बायोटेक्नोलॉजी के हमने लगभग लगभग बायोटेक के टोटल जो कि हम एफसीआई एजीएम के लिए पढ़ रहे थे, एफसीआई एजीएम टेक्निकल की जो क्लासेज चल रही थी उसमें बायोटेक के हमने लगभग 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। उसमें आरडीएनए टेक्निक हमने पढ़ ली थी, आरडीएनए टेक्निक उसकी एक क्लास और बाकी वो हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो कि महत्वपूर्ण क्लास है हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये अपनी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। अब देखो इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बायोटेक के यूज हम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं और हम एक रैपिड रिव्यूजन इसका करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो अगर मान लो बायोटेक का यूज हम करें किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक का यूज करें, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बायोटेक का यूज करें, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है एग्रीकल्चर का, ग्रीन सिंबल होता है, ठीक है, ग्रीन सिंबल होता है एग्रीकल्चर का। तो जो ग्रीन बायोटेक के नाम से जो भी यूज होगा वो किस में यूज होगा, एग्रीकल्चर फील्ड में। अच्छा, अर्थात हम जो बीएससी एग्रीकल्चर जो हम करे हुए हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो हम कौन सी बायोटेक पढ़ते हैं, ग्रीन बायोटेक पढ़ते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर में अगर जो यूज होता है बायोटेक का उसको ग्रीन बायोटेक बोलते हैं, तो मेडिकल फील्ड में क्या होगा, रेड बायोटेक होगा। इंडस्ट्रियल फील्ड का आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ग्रे बायोटेक, इसको क्या बोलते हैं, ग्रे बायोटेक। और ओशियंस या सी फूड, ओशियंस मतलब समुद्री भोजन, समुद्री भोजन में जैसे एलगी है, एलगी आ जाएगा अपने पास, एलगी है। और कुछ एलगी में भी सबसे ज़्यादा कौन से हैं, रेड एलगी। रेड एलगी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, उनमें से ज़्यादातर खाने वाले रेड एलगी, ठीक है, और ब्राउन एलगी होते हैं। तो सी फूड जो कि समुद्रों में हम करते हैं, तो समुद्र और जल यानी किसका पर्यायवाची, ब्लू का, ठीक है, ब्लू से डिनोट करते हैं हम किसी भी, जैसे कि अपना जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 70% वाटर है, तो वाटर को ब्लू, ठीक है। तो ब्लू बायोटेक किस में यूज करते हैं, ओशियंस में जो भी एप्लीकेशन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के उनको ब्लू बायोटेक बोलते हैं। ओशियंस का मैं आपको एक बता दूं, जैसे एक सुपर बग जिसका नाम है स्यूडोमोनास क्यूटीडा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ए के चक्रवर्ती एक साइंटिस्ट ने, ये स्यूडोमोनास क्यूटीडा एक बैक्टीरिया है, इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन किया था, इसको हम सुपर बग बोलते हैं, स्यूडोमोनास क्यूटीडा को सुपर बग बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, ए के चक्रवर्ती ने इसको डेवलप किया था स्यूडोमोनास क्यूटीडा। तो वहाँ पर इसमें कुछ ऐसी जीन होती है जो समुद्रों में जो जहाज है, जो शिप्स हैं उनमें अगर ऑयल या प्लास्टिक या कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें बड़े बड़े ऑयल के टैंकर्स कहाँ पर समुद्र में फैल जाते हैं, ऑयल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है समुद्र की ऊपरी परत पर, जिससे कि नीचे जो मराइन कल्चर है, जो भी फिशेज वगैरह हैं वो सब एक लेयर बनने के कारण ऑक्सीजन या सनरेज नहीं ले पाते, जिससे समुद्र में, इसको ओशियंस का कचरा बोल सकते हो एक प्रकार से ऑयल को, तो विशेष प्रकार के जो ऑयली मटेरियल है वो किस में चले गए, वो समुद्र में चले गए, तो उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ये वाला बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं सुपर बग। और इसको बनाया था ए के चक्रवर्ती ने, भी बायोटेक की एप्लीकेशन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन में आएगी। तो याद रखना सुपर बग किसको बोलते हैं, स्यूडोमोनास क्यूटीडा, या पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, अलग अलग प्रकार, जाइलेन के लिए, ऑक्टेन के लिए, किसी के भी लिए यूज किया जा सकता है, सबको क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। चलो तो इसको ब्लू बायोटेक बोलेंगे। ग्रे बायोटेक में इंडस्ट्रियल फील्ड में हम किसी प्रकार का यूज करते हैं उसको ग्रे बायोटेक हम बोलते हैं। अब देखो हम सबसे पहले किस में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड, किस में करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या हो सकता है, जैसे पहले नंबर पर हो सकता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसे बायोटेक में कुछ एग्रोकेमिकल हो सकते हैं, जैसे फसल से निकलने वाले केमिकल, ठीक है, एलोलोपैथी आपने पढ़ा होगा, एनिडेशन आपने पढ़ा होगा। तो हम जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल, मतलब फसलों से निकलने वाले या प्लांट से निकलने वाले केमिकल्स को ही किस में यूज करें, एग्रीकल्चर में। उसमें
हम अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। और हम तीसरा प्रयोग, अब देखो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स आजकल जो ट्रेंड में है, जीएम क्रॉप्स उनको बनाने में हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये सिंपल आपको याद होगा, एक FSCAAGEM टेक्निकल एस्पिरेंट हो आप, तो आपको इतना पता होना चाहिए जीएम क्रॉप्स के बारे में। मैंने आपको बड़ा फर्स्ट क्लास में बायोटेक में पढ़ा भी दिया था। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हमने बायोटेक को यूज कर लिया। ये मैं फील्ड बता रहा हूँ जिसमें एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, यूज करें, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम यूज कर सकते हैं। और किसी भी क्रॉप की, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप या कोई सी भी क्रॉप हो, उसकी हम क्या करें, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन क्वालिटी, क्वालिटी यानी उसका खनिज पोषण की मात्रा हम बढ़ा दें, खनिज पोषण की मात्रा को वृद्धि कर दें। जैसे कि हमने गोल्डन राइस में किया है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या है, डेफोडिल्स एक प्लांट है, डेफोडिल्स एक प्लांट है, उसकी बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन को हमने एक राइस की वैरायटी यानी राइस में क्या किया, ट्रांसप्लांट किया, या इसको यहाँ पर इस जीन को, डेफोडिल्स की जीन कौन सी जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करती है उसको हमने किस में इंसर्ट किया, राइस में। तो इनको बोलते हैं गोल्डन राइस, और ये बीटा कैरोटीन की वजह से ये राइस क्या हो जाता है, विटामिन ए रिच हो जाता है। क्योंकि बीटा कैरोटीन, जब बीटा कैरोटीन वाले चावल अगर कोई ह्यूमन खाएगा तो उसके लीवर में क्या होगा, किसका सिंथेसिस होगा, बीटा कैरोटीन से। क्योंकि बीटा कैरोटीन जो होता है वो प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर का मतलब बनाने वाला, विटामिन ए को बनाने वाला कौन होता है, बीटा कैरोटीन। और जब बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन चावल में जाएगी तो चावल से जो बीटा कैरोटीन आएगा, चावल के दानों में जो बीटा कैरोटीन है, वो बीटा कैरोटीन जब ह्यूमन कंजप्शन में जाएगा तो वहाँ लीवर में किसका फॉर्मेशन होगा, विटामिन ए। तो रतौंधी जो रोग होता है, कौन सा रोग, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोल सकते हैं रतौंधी को, ठीक है। जो नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होगा उसको हम ये चावल खिला के उसको सही कर सकते हैं, तो ये गोल्डन राइस कहलाते हैं। कौन सा रोग है, रतौंधी को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो डाइट पूछा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा बायोटेक में, या कौन सा भोजन नाइट ब्लाइंडनेस के काम आता है, तो गोल्डन राइस को खिलाओ, क्योंकि वो पूछने जा रहा है केवल विटामिन ए वाले पार्ट को पूछने जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ डेफोडिल्स याद रखना, डेफोडिल्स एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसमें है बीटा कैरोटीन की जीन, उसको निकाल के एक और प्लांट है, लेकिन ज्यादा पूछा कौन सा जाता है, डेफोडिल्स पूछा जाता है। बीटा कैरोटीन की जीन को गोल्डन राइस यानी राइस में किया, तो राइस का नाम हो गया गोल्डन राइस, ठीक है। तो ये इतना सा पता होगा आपको, गोल्डन राइस किसने बनाया, ठीक है, गोल्डन राइस कहाँ बना ये भी याद रखना, इंगोपोट्रिकस नामक एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, तो इसकी हमने क्या किया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को सुधार दिया, गोल्डन राइस बनाकर राइस की न्यूट्रिशन क्वालिटी को सुधार दिया है, विटामिन ए रिच कर दिया है। इसके अलावा प्रोटीन रिच पोटेटो, देखो पोटेटो जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, पोटेटो में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करता है, अपने शरीर में जाता है, टूटता है माल्टोज में, माल्टोज की यूनिट में, और वो ग्लूकोज देता है, तो उससे क्या मिलता है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, उससे क्या नहीं मिलता है, प्रोटीन। अपने शरीर में तीन महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो कि हम श्वसन के द्वारा उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये बायोकेमिस्ट्री में आता है, एक होती है फैट्स, ठीक है, एक होती है प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो ये तीनों क्या काम करते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, अपने तुरंत एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे पहले यूज होने वाले जो भी पदार्थ है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेमनोज, मेनोज, जाइलोज, राइबलोज जो भी हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, जो यूज हो सकते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेज में। तो सबसे पहले जो हम जो भी चीज़, जो भी भोजन हम करते हैं उसमें तीनों चीज़ें लगभग लगभग मात्रा में उपस्थित हो ही जाती है। तो सबसे पहले अपने शरीर में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, पहले ये एनर्जी देता है, उसके बाद जो अपनी पहले से जमा फैट जिससे ऑयल और घी से प्राप्त होती है, या अलग अलग फलों की फैट्स होती है, लिपिड जो होते हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, एनर्जी देगा, अगर कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता नहीं होगी शरीर में, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, अर्थात आप एक दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, या भूखमरी की कंडीशन चल रही है वहां पे, तो
तो देखो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा बॉडी में से, तो बॉडी में जो जमा पहले से फैट है वो फैट टूटना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो फैट किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट्स का होगा, और थर्ड नंबर पे आएगा प्रोटीन का। क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल होती है, जो अपनी मांसपेशियां बनी होती है, कोशिकाओं की स्ट्रक्चर बनी होती है, वो किसकी होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन वाला शोषण कभी भी नहीं करते, रेस्पिरेशन में प्रोटीन को कभी भी यूज नहीं कर सकते। अगर प्रोटीन यूज हो रहा है इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा कुपोषण माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में हो और आपका शरीर टूटने लगा है, कोशिकाएं मरने लगी है, तो वो क्या होता है, प्रोटीन का कभी भी नहीं किया जा सकता, क्या रेस्पिरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है और किसमें काम आता है, बॉडी बिल्डिंग में। अपने शरीर की समस्त मांसपेशियां किससे बनी हुई है, बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। बॉडी जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी भोजन करते हैं उसमें बेसिकली तीन पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट का हम सबसे पहले यूज करते हैं शरीर में, उससे एनर्जी मिलती है, उसको हम डेली यूज में काम लेते हैं। और फैट्स जो खाते हैं वो जमा होती रहती है, फैट्स हमें गर्माहट या वार्मनेस जो होती है वो शरीर को देती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए फैट्स बहुत आवश्यक है, एडिपोज टिश्यू वगैरह जो जितने भी टिश्यू में फैट जमा होती है, ठीक है। गुड फैट और बैड फैट होती है वो बात अलग है, वो चर्चा का विषय अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद तीसरा जो है प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है अपने शरीर में जो भी स्ट्रक्चर बन रही है, ऊपर के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी स्ट्रक्चर बनी हुई है बॉडी में, मांसपेशियां, वो सब किससे बनी है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन हम खाते रहते हैं तो उसका यूज नहीं करते, उसको हम किस में जमा, एमिनो एसिड्स का बहुलक होता है प्रोटीन, जो हम एमिनो एसिड खाते हैं तो एमिनो एसिड ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन जाता है, और प्रोटीन अपने शरीर में किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में काम आती है। और रेगुलर जो कोशिकाएं मर रही है अपने शरीर में, जो रेगुलर अगर कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं बन पा रही है, तो रेगुलर कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बायोटेक के अलावा बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ा दिया है, अब बायोटेक में चलते हैं। आलू ज्यादातर हम खाते हैं, अगर ऐसा आलू बना दिया जाए जिससे स्टार्च के साथ साथ क्या मिले, प्रोटीन मिले, क्योंकि प्रोटीन की बहुत कमी होती है इंडियंस में, प्रोटीन ज्यादा उपलब्ध नहीं होता प्रोटीन्स वाले, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर इतना मीट अवेलेबल नहीं है, दालें अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुपोषण के शिकार होते हैं ज्यादातर लोग। प्रोटीन से एक कमी से कोशिकोर, एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं कोशिकोर, और वो डिजीज हो जाती है, वो माल न्यूट्रिशन के कारण होती है, प्रोटीन से ही होती है, ठीक है। उसमें शरीर अकड़न मुड़ जाता है, जिसको हिंदी में धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बहुत सारे माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, तो हम उस माल न्यूट्रिशन को बचाने के लिए या आलू की क्वालिटी को सुधारने के लिए हम उसमें ऐसी जीन जोड़ेंगे जिसमें प्रोटीन बनाए। तो ऐसे पोटैटो का निर्माण किया गया जिसमें स्टार्च के साथ साथ क्या है, प्रोटीन भी रिच है, उनको क्या बोला गया, प्रोटैटो। क्या बोला गया, पोटैटो ना बोल के प्रोटैटो, क्योंकि प्रोटीन प्लस पोटैटो तो प्रोटैटो। तो याद रखना प्रोटैटो भी एक प्रकार का प्रोटीन रिच पोटैटो ही होता है। यहां तक बात समझ में आ गई, देखो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, इंड्यूस रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब जो कि बाहर से पौधे को स्ट्रेस या तनाव होते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पर अपने अलग अलग एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में या फिर गुजरात वाले एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ड्रॉट होता है, बरसात इतनी नहीं हो पाती है, या फिर लवणता, ब्रैकिश या सेलाइन वाटर हो वहाँ पर, या फिर ज़्यादा पानी हो जाए यानी बाढ़ आ जाए, कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो उनसे रेजिस्टेंट होने के लिए कि पौधे बाढ़ में भी उग जाए, लवणता में भी उग जाए और सूखे में उग जाए, तो ऐसे पौधे विकसित करना बायोटेक के, या फिर ऐसे बायोटेक रेजिस्टेंस, अबायोटिक स्ट्रेस को रेजिस्टेंट करने के लिए कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस कराना उस प्लांट में, और उसको क्या बनाना, रेजिस्टेंट बनाना। जैसे यहाँ पर हमने एक टोमेटो बनाया जिसको बोलते हैं साल्ट रेजिस्टेंट टोमेटो, यानी लवण प्रतिरोधी टमाटर, लवण प्रतिरोधी टमाटर का निर्माण किया है, डिटेल आगे बताएंगे। तो ये भी एप्लीकेशन किसमें, ये भी एप्लीकेशन बायोटेक की एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है। अब देखो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जो कि बार बार पूछा जाता है, रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, यानी कि घटाना किसको, अगर हमने सबसे ज्यादा लॉसेज जो होता है देखा गया है जनरली वो फ्रूट्स में या सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है, पेरिशेबल होती है, ज्यादा देर तक इनको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और पानी की मात्रा जहां भी ज्यादा होती है और ड्राइंग इनकी संभव नहीं है, ड्राइंग करोगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, इतनी ड्राइंग हम कर नहीं सकते,
तो फ्रूट्स जो रसीले रहते हैं, पानी की मात्रा में ज़्यादा होती है, तो उनमें जल्दी ही फर्मेंटेशन होने की या इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। जितना ज़्यादा पानी रहेगा किसी भी बायोलॉजिकल कमोडिटी में, उतना ज़्यादा उसके सड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अब हम क्या करें, जैसे टमाटर है उनको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते और उसको आगे भेजें तो वो फूट जाता है, हैंडलिंग में वो फूट जाता है, उस पर क्वालिटी खराब हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस उसकी खराब हो जाती है। तो हमने कुछ बायोटेक की मदद से ऐसी जीन का इंट्रोड्यूस करवाया है कि इसमें टोमेटो के जीनोम में, जिससे क्या होता है उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाता है। जैसे एक टमाटर है फ्लेवर शावर, आप सबने नाम सुना होगा फ्लेवर शावर, इसको बोलते हैं लॉन्ग सेल्फ लाइफ। इसकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है यानी इसका जीवन काल लंबा होता है, अर्थात पकता देर से है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ का मतलब होता है पकता देर से है, देर से पकता है, पकने में क्या होती है देरी, स्लो राइपनिंग की वजह से। और इसको लॉन्ग जब पकेगा, जो पकेगा देर से, तो हमें अगर इसको ट्रांसपोर्ट अब्रॉड में करना है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहाँ पर 10-15 दिन लग सकते हैं, तो वहाँ पर लंबा ट्रांसपोर्टेशन करने में भी ये क्या होगा, इसके लिए आसान होगा और ये इसको पकेगा नहीं, जाने के दौरान ही पकेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। देखो टमाटर जो होता है इस पे जो लेयर होती है ऊपर, इस पे जो लेयर होती है ऊपर, इस छिलके को अगर हम मोटा कर दें, छिलके को हम मोटा कर दें, तो याद रखना इसके पकने की दर क्या हो जाती, कम हो जाती है। छिलके को क्या किया गया है यहाँ पर मोटा, और इस छिलके में क्या होता है एक जीन होती है, इस छिलके में पकाने के लिए जिम्मेदार एक जीन होती है। देखो तो क्या होता है, एक बार पूरा ढंग समझ लेना, एक जीन है जो टमाटर को पकने में मदद करती है, उसका नाम है पॉली गैलेक्टोरोनेज एंजाइम जीन। एक एंजाइम है उसको एक्टिव करने वाली जीन कौन सी है, पॉली गैलेक्टोरोनेज जीन। ये क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल फ्रूट राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग गैलेक्टोरोनेज एंजाइम को एक्टिव करने वाली जीन। एंजाइम एक्टिव हो जाएगा गैलेक्टोरोनेज को, तो कुछ जो सेरोलॉजिक बॉन्ड होते हैं जो कि छिलके में होते हैं, जो कि मिडिल लेमिला होती है, वो क्या करती है डिजोल्व हो जाती है, उससे रसीले और पिलपिले या पक जाते हैं फ्रूट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमने एक जीन जो टमाटर को पकाने के लिए जिम्मेदार है, उस एंजाइम की जीन को क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है, उसको कुछ समय के लिए साइलेंट कर दिया है, अर्थात वो साइलेंट हो गई वो जीन। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉली गैलेक्टोरोनेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा और जिससे टमाटर में पकने में देरी हो जाएगी। अब हमने जो इनएक्टिव किया है जीन को, इनएक्टिव किया है जीन को पकने में, वो कौन सी टेक्निक से, आरएनएआई टेक्निक से, आरएनएआई टेक्निक से, तो आरएनएआई टेक्निक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक भी बोलते हैं, और आर एन ए आई का मतलब इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, आर एन ए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो ये क्यों बोलते हैं, ये तो अभी अपने डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, केवल याद रख लो इस टेक्निक का नाम है जिसमें जीन को साइलेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं आर एन आई, यानी इंटरफेरेंस आर एन ए टेक्निक, इंटरफेरेंस आर एन ए टेक्निक, या फिर आर एन ए साइलेंसिंग टेक्निक, या फिर आर एन ए एंटीसेंस आर एन ए टेक्निक, इनको बोलते हैं। ज्यादातर साइलेंसिंग जीन का ही आता है, तो आपको ये याद रखना, और आरएनए आए जाए तो इंटरफेरेंस, आई का मतलब यहाँ इंटरफेरेंस है, समझ में आ गया। तो हमने एक टमाटर को पकाने के लिए जिम्मेदार जीन को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया बायोटेक की मदद से, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि वो टमाटर देरी से पकेगा और इसी के साथ उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। ये भी हमने किससे बनाया है, ये भी बायोटेक से बनाया है। ऐसी रेजिस्टेंट जीन को हमने इंट्रोड्यूस कराया है जो पहले से ही किसी पादप में उपस्थित है। जैसे मान लो कि ये बनाया पहले हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबेको, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक में आपको बता दूं कि जब हम किसी भी, जैसे ये पौधा है, ये अपने पास एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में कोई जीन है, इस जीन को ट्रांसफर करके किसी और प्लांट में ट्रांसफर कर देंगे, तो अब इसके जीनोम में क्या हो जाएगा, ए वाले की जीन हमने किस में ट्रांसफर कर दी, बी वाले में, तो जो पहले से नहीं थी, इसका जो जीनोम है इस जीनोम में ये पहले से उपस्थित नहीं थी ये जीन, अब ये क्या हो गया, ये ट्रांसजेनिक हो गया, क्योंकि ये जीन ये आ गई और एक्टिव भी हो गई और ये काम करने लग गई है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया है। अब देखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबे को कैसे बनाया गया, जो कि फर्स्ट प्लांट है, याद रखना फर्स्ट
ट्रांसजेनिक प्लांटें, ये भी पूछा जाता है कई बार। हमने क्या किया, इसको कौन सी जीन दी इस प्लांट को जिससे ये ट्रांसफर हो गया। कहानी ये है कि एक प्लांट है एरोबिडोसिस थेलियाना जो क्रूसीफेरी कुल में है, इसका ही डिटेल क्या किया है, जीनोम डिकोड किया हुआ है इस प्लांट का। क्रूसीफेरी फैमिली का एक प्लांट है एरोबिडोसिस थेलियाना, तो इसका शुरुआत में सबसे पहले डाइकोट प्लांट है, याद रखना ये डाइकोट प्लांट है, क्रूसीफेरी फैमिली में ये आता है, ठीक है याद रखना। इसका जीनोम, जिसके अंदर जो भी जीन है, जितने भी जीन है उनका पता है हमें, क्योंकि उसको डिकोड कर लिया गया है कि उसमें कौन सी जीन कौन सा काम करती है। तो इसका पहला प्लांट है जिसका जीनोम हमने डिकोड किया है। डिकोड का मतलब होता है पता करना कि कौन सी जीन कौन सा काम यहाँ पर कर रही है, ठीक है यहाँ तक समझ में आया। अब एरोबिडोसिस थेलियाना जो प्लांट है उसके बारे में हमको सब पता है, क्योंकि इसका पहला प्लांट है जिसका जीनोम हमने डिकोड किया है। तो इसमें से एक एंजाइम है, इसमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एसिटालैक्टेज सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है ये इसको बोल सकते हैं ALS। ये तो जीन का नाम है, ALS क्या है, ये जीन है, लेकिन ये जीन क्या करती है, ये जीन एक एंजाइम को एक्टिव करती है जिसको बोलते हैं एसिटालैक्टेज सिंथेटेज एंजाइम और जीन। तो ALS जीन किसमें पाई जाती है, एरोबिडोसिस थेलियाना में। और ये जीन क्या करती है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है, इस पर कोई सा भी तुम हर्बिसाइड छिड़को इस एरोबिडोसिस थेलियाना पे, तो ये क्या करती है, ये इसको रेजिस्टेंट कर जाता है, क्योंकि ये वीड के रूप में होता है तो ये रेजिस्टेंट कर जाता है। तो हमने सोचा कि एरोबिडोसिस थेलियाना में ऐसी क्या बात है जिससे क्या होता है कि वो सल्फोनिल यूरिया और ग्लाइफोसेट से मरता नहीं है। ऐसी क्या क्वालिटी है इसमें एरोबिडोसिस थेलियाना में कि वो सल्फोनिल यूरिया और ग्लाइफोसेट हर्बिसाइडों से ये नहीं मर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो हमने जब इसका जीनोम डिकोड किया और पता किया कि इसमें एक ऐसी जीन पाई जाती है जिसका नाम है ALS यानी एसिटालैक्टेज सिंथेटेज एंजाइम जीन, जो क्या करती है, रेजिस्टेंट पैदा करती है किसके खिलाफ, सल्फोनिल यूरिया और ग्लाइफोसेट के खिलाफ, जिससे ये इसका रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हमने ये जीन, जैसे कि मान लो ये एरोबिडोसिस थेलियाना है और ये टोबेको का प्लांट है, तो ये जीन हमने निकाल के किसमें डाल दी, टोबेको में। तो टोबेको हो गया है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट और ये हो गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबेको, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के रूप में सोयाबीन भी आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको भी हम ज्यादातर सोयाबीन में भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ग्लाइफोसेट के खिलाफ हो चुका है, ठीक है वो बाद में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हम बेसिक रूप से जो इंपॉर्टेंट है इसको हम पढ़ा रहे हैं पहले। देखो अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। अब हम कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड यानी दवाइयां बोल सकते हो इनको, दवाइयां बोल सकते हो या फिर मेडिकल में यूज होने वाले कंपाउंड बोल सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मेसी पर यूज होने वाले। और ऐसे जो कि बायोफार्मा मतलब किसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, किससे, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, बायो इसलिए लगाया, बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड। प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल कंपाउंड का मतलब है कि किसी जीव से प्राप्त ऐसे कंपाउंड जो मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं उनका प्रोडक्शन में बायोटेक की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि लीच, लीच मतलब जोंक, जो कि चिपक जाती है किसी भी जीव के शरीर से और ये क्या होती है, सेंग्यूओरस होती है। सेंग्यूओरस आपने पढ़ा होगा, अरबीओरस, डेट्राइटिओरस, सेंग्यूओरस, ठीक है ओमनीओरस से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सेंग्यूओरस का मतलब होता है रुधिर चूसक, यानी रुधिर मतलब रक्त चूसक या रुधिर चूसक कीट यानी रक्त पान करने वाले, ये खून ही इसका भोजन है, यानी ये खून ही पीती है जोंक, ठीक है लीच बोलते हैं इसको। हिरुडीनिया इसका वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है हिरुडीनिया, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लड सक करती है किसी ऑर्गेनिज्म से और उससे ही ये भोजन करती है। तो याद रखना, अब देखो अपना ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड जो होता है अगर बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा मतलब जम जाता है, बाहर निकलते पपड़ी जम जाती है ब्लड की, क्योंकि उसमें कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, थक्का बनने की प्रॉपर्टी होती है, आपस में क्लंप बनाने की प्रॉपर्टी होती है किसमें, ब्लड में, ठीक है। बाहर निकल जाएगा तो अंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर अपने अंदर क्या है, अपने अंदर इरुडीन है, हिपेरिन, बेसिकली हिपेरिन अपनी बॉडी के अंदर है। तो ब्लड क्या होता है, अंदर थक्का नहीं बनाता, पूरी बॉडी में प्रवाहित होता रहता है। जोंक में क्या होता है, हिरुडीनिया उसका नाम है और उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है हिरुडीन, किसमें, जोंक के अंदर, उसको भी खून पीना है,
ठीक है, वो खून उसका भोजन है, अगर वो नहीं पिएगी तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका फूड क्या है, ब्लड है, एनिमल ब्लड है। तो ब्लड वो पीती है, अगर ब्लड मान लो उसके अंदर कोई भी एंटी कोएगुलेंट नहीं रहेगा तो ब्लड उसके शरीर में जम जाएगा और मर जाएगी। इसलिए उसके नेचुरली उसमें क्या होता है, एक ब्लड एंटी कोएगुलेंट पाया जाता है, किसमें, जोंक के शरीर के अंदर। तो वो क्या करता है, खून को जमने नहीं देता है, वो कितना भी खून पी ले या कितना भी रक्त चूस ले उसका अंदर कोएगुलेंट नहीं होगा, थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट रक्त को नहीं जमने देने वाला पदार्थ हिरुडीन पाया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, उस हिरुडीन बनाने वाली जीन को सेपरेट किया है, उस जीन को हमने प्लांट में डाला है, किसमें, ब्रेसिका नेपस, एक सरसों का प्लांट है, सरसों का प्लांट है ब्रेसिका नेपस, उसमें डाला है राय का प्लांट, और राय के प्लांट में ये जीन डाल दिए, और उसके राय के प्लांट के या सरसों के प्लांट के जो सीड निकले हैं उनको क्या कर लिया है, क्रश कर लिया है, पीस लिया है, और उससे जो ऑयल निकला है उस ऑयल में किसकी मात्रा देखी गई, हिरुडीन की। तो अब इस ऑयल से हम क्या करते हैं, हिरुडीन प्राप्त कर लेते हैं, जो कि किस रूप में, मेडिकल पर्पस में यूज होता है। तो हुआ ना देखो बायोटेक्नोलॉजी का एक शानदार प्रयोग। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखो यहां तक आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी, आप अच्छे से सुने, अच्छे से देखे, अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े, बहुत दिन कम बचे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। अब देखो कुछ हमने एडिबल वैक्सीन बनाई, हम मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में हम काम कर रहे हैं, बायोटेक का, रेड बायोटेक अपनी चल रही है, मैंने शुरुआत में बता दिया था, इसमें सारी एक साथ ही पढ़ा दूंगा मैं। एडिबल वैक्सीन, देखो वैक्सीन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टीका, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसका क्या कर रहा है, टीकाकरण हो रहा है। तो एडिबल वैक्सीन, मान लो ये टीका आपने इंजेक्शन के रूप में लग रहा है, अगर मान लो ये आलू प्याज टमाटर मिल जाता तो हम इसको सब्जी बना के खा लेते, और अपने अंदर क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी आ जाती, क्या आ जाती, इम्यूनिटी आ जाती, और हम किसी भी वायरस या किसी भी जीव से लड़ सकते थे। अब कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि कुछ बीमारियों के टीके की जीन या उसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एडिबल यानी खाद्यशील टीके, इनको बोल सकते हैं खाद्यशील टीके। तो टीके इंजेक्शन या दवाई के रूप में लेने की जरूरत नहीं है, उनको किस में इनकॉर्पोरेट कर दो, उन ऐसी जीन डाल दो ताकि वो फल या फ्रूट में अपने आप ही वो टीके की जो भी केमिकल कंपाउंड है वो उसमें बनने लग जाए, ठीक है। एडिबल वैक्सीन हमने बनाई है, खाने वाले टीके, अभी तो लगाने वाले टीके हैं केवल, वैक्सीन जो है लगाई जाती है, लेकिन कुछ खाने वाली ट्रांसजेनिक एडिबल वैक्सीन भी हम बना चुके हैं। ये ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया और बनाना बनाया, ट्रांसजेनिक टोमेटो और बनाना बनाया जो हेपेटाइटिस और कोलेरा के लिए बेस्ट है, ठीक है। ट्रांसजेनिक टोमेटो, हेपेटाइटिस और बनाना किसके लिए, कोलेरो के लिए। अब बनाना खाओ और कोलेरो यानी हैजा भगाओ, हेपेटाइटिस को दूर करना है तो ट्रांसजेनिक टोमेटो खाओ। इंडिया में ज़्यादातर प्रचलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कमिटी है जिसको आपको बताओ, जी ई एस सी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी, ठीक है, जो किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, जो मंत्रालय अपना पर्यावरण मंत्रालय के अंदर ये काम करती है, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो भी फूड बनाओगे उसको अप्रूव करने वाली ये कमेटी है, पूरा नाम आप देख लेना, मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये रिस्क की काम है कि किसी को भी वैक्सीन खिलाओ या किसी पौधे के जीनोटाइप में छेड़ करना, इसलिए कहीं ये म्यूटेशन ना कर जाए, जैसे अलग अलग वेरियंट आ जा रहे हैं कोरोना के, वैसे म्यूटेशन ना कर जाए ये वैक्सीन, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर इनको अप्रूवल नहीं मिलता है। अभी बीटी ब्रिंजल पे ही बहुत सारा विवाद चल रहा है, आप इसको बाद में, मैं कभी एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा बीटी ब्रिंजल पे विवाद क्यों चल रहा है, बीटी क्रॉप पे क्यों विवाद चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या आपको सजेस्ट करती है, और क्या इसमें डूज और डोंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल हमको याद करना है जो कि अलग अलग अब्रॉड में, अलग अलग देशों में चल रहा है, ट्रांसजेनिक टोमेटो हेपेटाइटिस के लिए, ट्रांसजेनिक बनाना बनाया गया कोलेरो के लिए, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रांसजेनिक सुगर बीट यानी चुकंदर बनाया गया एफएमडी इन एनिमल्स, एफएमडी का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनको पता होगा फुट एंड माउथ डिजीज बहुत खतरनाक डिजीज है, जिसमें खुरपका मुंह पका यानी खुर और मुंह के जो जबड़े होते हैं और नीचे के खुर होते हैं वो जानवर के पक जाते हैं, सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो एफएमडी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है, याद रखना एनिमल्स में। अब एनिमल्स को आप ट्रांसजेनिक सुगर बीट खिलाओ, उसका टीकाकरण हो गया, ठीक है। वो जो जितनी दवाई है इस जिस एफएमडी डिजीज के लिए जो दवाई यूज होती है, वो दवाई स्वतः ही कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है सुगर बीट, क्योंकि उसमें ऐसी जीन हमने ट्रांसफर कर दी है ये बनाने वाली, ठीक है। सुगर बीट से क्या
एफएमडी एनिमल्स के लिए पूछा जा सकता है। एफएमडी के लिए कौन सा सुगर बीट, ट्रांसजेनिक सुगर बीट बनाया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक बनाना और पोटेटो डायरिया के लिए यूज होता है। डायरिया मतलब दस्त लग जाना, इसको बोलते हैं डायरिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये एडिबल वैक्सीन के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। हाँ, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो बीटी कॉटन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ हम काम करने वाले हैं, पौधे या क्रॉप को उसके खिलाफ हम बनाने वाले हैं। कोई भी इंसेक्ट अटैक करे और वो मर जाए, जैसे बॉलवर्म्स हैं, ठीक है, राउंड वर्म, फ्रूट बोरर, ठीक है, सूट बोरर्स, बॉलवर्म्स, जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं ये खाए और मर जाए, तो हमें ऊपर से इसमें स्प्रे करने की, सोइल में एप्लीकेशन करने की, सीड ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम पौधे को ही ऐसा बना दें, पौधे के अंदर ही ऐसी जीन डाल दें जो कीड़ों के लिए, इंसेक्ट के लिए जहरीला पदार्थ साबित हो। अगर इंसेक्ट उसको खा भी ले तो इंसेक्ट खाते ही उसको मर जाए। तो हमने ऐसी क्रॉप्स बनाई है, बीटी क्रॉप्स। अब बीटी क्रॉप्स क्या होती है, यहाँ बीटी जीन को, बीटी का मतलब होता है बेसिलस थुरेंजेंसिस, एक बैक्टीरिया है। बेसिलस थुरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होती है बीटी जीन। मैं पहले बैक्टीरिया के बारे में बता दूं, बेसिलस थुरेंजेंसिस बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर बीटी जीन होती है। वो बीटी जीन जो होती है वो विशेष प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन का मतलब होता है क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जो क्या हो जाती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, इंसेक्ट को मारने वाली। इंसेक्टिसाइड कीटाणु नाशक, जीवाणु नाशक होता है, तो साइडल का मतलब होता है नाशक, तो यहाँ इंसेक्टिसाइडल होता है। तो इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक प्रोटीन होती है, जो कि इनएक्टिव रहती है। किसमें इनएक्टिव रहती है, अपने बेसिलस थुरेंजेंसिस बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव रहती है ये प्रोटीन। अब देखो, बेसिलस थुरेंजेंसिस बैक्टीरिया जो होता है वो, उसमें एक जीन है, उसका नाम है बीटी जीन। अब बीटी जीन विशेष प्रकार की प्रोटीन निकालती है, जैसे कि क्रिस्टल प्रोटीन उसको बोला जाता है। अब उसको क्या किया, उस प्रोटीन, वो जो इनएक्टिव प्रोटीन है, उसको हमने, उस जीन को हमने बीटी जीवाणु से वो जीन ऑप्टेन की। उस जीन को हमने अलग अलग माध्यम से, वेक्टर के माध्यम से, किसमें, कफास यानी कि कॉटन के जीनोम में हमने उसको सेंड कर दिया है या इंसर्ट कर दिया है। अब कॉटन के अंदर कौन सी जीन आ गई, बीटी जीन। बीटी जीन किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए, कॉटन के अंदर। अब कॉटन के अंदर ये जीन एक्टिव होकर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, जिनको क्रिस्टल प्रोटीन बोलते हैं। वो क्रिस्टल प्रोटीन पूरे कॉटन के जो सिस्टम होता है, पूरा फोलियर सिस्टम या पूरा बॉडी सिस्टम, उसमें फैल जाती है। और इंसेक्ट जब आता है, यानी इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरा गण के जो इंसेक्ट है, जैसे टोबेको, बर्ड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, ठीक है, टोबेको, बर्ड वॉर्म या आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट है जैसे बीटल्स, ठीक है, डायप्टेरा यानी डिप्टेरा के इंसेक्ट है जैसे फ्लाइज यानी मक्खियां और मॉस्किटो मच्छर, ये सब, ये तो है गणों के नाम, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, इसके इंसेक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये इंसेक्ट आएंगे, जैसे आर्मी वर्म, टोबेको, बर्ड वर्म, बीटल्स, ये सब आएंगे और उस प्लांट को खाएंगे जिस प्लांट में बीटी जीन इंसर्ट है। तो वो खाने के बाद उनमें क्रिस्टल प्रोटीन यानी क्राई प्रोटीन जो क्या है, बॉडी के अंदर चली जाएगी। और बॉडी के अंदर जो इंसेक्ट की मिड गट होती है, मिड गट याद रखना, मध्य आंत्र जो होती है उसको हम मेजेंट्रोन भी बोलते हैं, कभी कोई पूछ ले मेजेंट्रोन, ठीक है, क्योंकि प्रोक्टोडियम, मेजेंट्रोन और एक और होती है स्टेडियम, ये तीन प्रकार की क्या होती है, आंतों के प्रकार है, हैंड गट, मिड गट और फोर गट होती है, ठीक है। तो मिड गट जो होती है वहां की क्षारीय पीएच, पीएच क्षारीय यानी बेसिक जो पीएच है जो कि 7 से ऊपर होती है, बेसिक पीएच क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा पीएच हो जाएगी वो बेसिक हो जाएगी। तो बेसिक पीएच किसमें मिल जाती है, ये क्राई प्रोटीन को अंदर लिया इंसेक्ट ने और अंदर खाया, क्राई प्रोटीन शरीर में गई, क्राई प्रोटीन शरीर में जाकर मिड गट में चली गई, और मिड गट का जो वातावरण वो कैसा है, क्षारीय, और क्षारीय वातावरण के साथ ये क्राई प्रोटीन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो क्राई प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए इंसेक्ट के अंदर मिडगट में पीएच क्षारीय होना जरूरी है। तो क्षारीय पीएच जो होती है मिडगट में, मध्य आंत में, वही एक्टिव करती है किसको, क्राई प्रोटीन को। ये क्राई प्रोटीन एक्टिव होते हैं, मिडगट को रप्चर कर देती है, रप्चर कर देती है या उसको स्क्रैच करके उसको फाड़ देती है, किसको, मिडगट को नष्ट कर देती है, मिडगट को रप्चर कर देती है, नष्ट कर देती है, कौन, क्राई प्रोटीन। ये बहुत जहरीली प्रोटीन होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर इंसेक्ट बताया, कुछ कुछ इनके ऑर्डर बताए हैं,
और मैंने बताया कि इंसेक्ट की जो मिड गट होती है उसकी बेसिक पीएच होती है, तो क्राई प्रोटीन वहां पे चली जाती है। और बेसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया से हमने जीन ऑप्टेन की है। सबसे पहले बीटी कॉटन का निर्माण मोनसेंटो कंपनी 1995 में किया था, जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अब देखो कॉटन के लिए स्पेशली क्या है, सबके लिए बीटी ब्रिंजल, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज चलती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्या होती है बीटी क्रॉप में, कॉटन होती है। कॉटन में याद रखना जो जीन होती है वो कौन सी प्रोटीन, कौन सी जीन होती है, क्राई वन एसी क्राई सेकेंड ए बी, ये दो याद रखना कॉटन के लिए विशेषकर जीन या प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, क्राई वन एसी क्राई टू ए बी जीन होती है। किसके लिए, कॉटन बोलवर्म के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है बोलवर्म, कॉटन का बोलवर्म। ठीक है, याद रखना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है कॉटन बोलवर्म के लिए, क्राई वन एसी क्राई सेकेंड ए बी। ठीक है, और क्राई वन एसी जो जीन है वो कॉर्न बोरर के लिए भी यूज होती है, क्राई वन एसी वाली जीन। देखो क्राई वन एसी और क्राई टू ए बी दोनों तो कॉटन बोलवर्म के लिए कॉटन में होती है, लेकिन अगर हमको मक्का यानी कॉर्न मक्का में यूज करना है कॉर्न बोरर के लिए तो क्राई वन एसी जीन भी यूज हो जाती है, क्राई वन एसी सिंगल जीन भी कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर सकता है। तो कॉटन के लिए बीटी कॉटन का, यहाँ तक जो पढ़ाया मैंने आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। निमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप नेक्स्ट जो अपना है, पैथोजन कंट्रोल में बायोटेक का यूज, ये भी एक टॉपिक दे रखा है पैथोजन एंड कंट्रोल, रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर पैथोजन कंट्रोल बायोटेक में, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, एक क्लास और लेंगे उसमें पैथोजन कंट्रोल और पैथोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अब देखो निमेटोड रेजिस्टेंस क्रॉप यानी निमेटोड अटैक ही ना करे ऐसी तुम क्रॉप्स का निर्माण करो, तो एक बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत फेमस निमेटोड है, रूट नॉट निमेटोड, जड़ गांठ निमेटोड, ऐसा निमेटोड जो क्या बना देता है, रूट को नॉट यानी गांठे बना देता है, जिससे जाइलम पूरा उसका खराब हो जाता है और पौधा ऐसा लगता है विल्टेड जैसा, विल्ट जैसा, विल्ट आप समझते हो विल्टेड यानी सूखा हुआ, ऊपर से सूख जाता है जबकि अंदर मामला जड़ों के अंदर चल रहा है, वहां पे गांठे बन गई है और जाइलम का सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, मिनरल सर्कुलेशन ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऊपर की पत्तियां सूख जाती है। बेसिकली ये सब जीवों में होने वाली सबसे भयंकर डिजीज है निमेटोड के द्वारा, रूट नॉट निमेटोड। ये होता है मेलेडोगाइनी इनकोगेशिया, मेलेडोगाइनी इनकोगेशिया एक क्या है, एक अपना बहुत महत्वपूर्ण पैथोजन है सब्जियों का, मेलेडोगाइनी इनकोगेशिया। देखो अब इसमें भी ऐसे ही किया, क्या किया इसमें, इसमें हमने एक टेक्निक जो हमने पहले बताई थी आरएनएआई इंटरफेरेंस आरएनए या जीन साइलेंसिंग टेक्निक या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज हमने कर लिया है। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल में पढ़ाने का मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाए। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन बनाता है, ये जो रूट नोड निमेटोड है, निमेटोड जाता है एंट्री करता है, एक प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन नोट को नोट क्या नोट बनाने में, नोट मतलब गांठ बनाने में जिम्मेदार होती है। उस प्रोटीन को हम एक रिस्क नामक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स है जटिल। ये भी किस माध्यम से बना है, आरएनए इंटरफेरेंस से ही, साइलेंसिंग से ही कॉम्प्लेक्स बना है। इस रिस्क से क्या होता है, ये रिस्क वो वाली रिस्क नहीं है, ये आरआईएससी है रिस्क, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कॉम्प्लेक्स इस निमेटोड की इस प्रोटीन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, अर्थात ये प्रोटीन कभी भी एक्टिव नहीं पाएगी और साइलेंट हो जाएगी। तो याद रखना ऐसी प्रोटीन जो कि निमेटोड प्रोवाइड करता है और कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसको हम आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक द्वारा तोड़ सकते हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं रिस्क। इतना याद रखो, हालांकि इसकी डिटेल बहुत लंबी है और ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप 12th की एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं इतना याद रख रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, वही जो हमने यूज की थी, किसमें यूज की थी पहले, वहां पे इससे पहले हमने पढ़ा था जीन साइलेंसिंग आरएनए, और ये यूज की थी हमने पॉलीग्लोटरन जीन को साइलेंट कराने के लिए टमाटर फ्लेवर शावर में, जिसको टप्पा टमाटर भी बोलते हैं क्योंकि उसका छिलका बहुत मोटा होता है। ठीक है, अब देखो निमेटोड रेजिस्टेंट हो गया, अगर निमेटोड जाएगा रूट नोट डिजीज करेगा, हमने पौधों को ऐसी जीन ट्रांसफर कर दी बायोटेक्नोलॉजी या जीन ट्रांसफर या वेक्टर के माध्यम से या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने ऐसी जीन ट्रांसफर कर दी जो कि वो अपने आप ही ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रही है
जो कि इसके बनी बनाई प्रोटीन जो कि नोट बनाती है उस नोट को तोड़ देती है। तो याद रखना ये सब स्टडी की है फायर एंड मेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था, फायर और मेलो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वाली आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या आरएनए जीन साइलेंसिंग टेक्निक जो कि किसमें अपनाई गई, निमेटोड रेजिस्टेंस के लिए, रूट नोट निमेटोड के लिए अपनाई गई उसमें। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, पूछा जाएगा तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि IBBS पेपर ले रहा है, इतना आसान तो होगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए चार ऑप्शन देखने के बाद कि हाँ अच्छा ये पढ़ा है और इसमें आंसर ये हो सकता है। अब मैं आपको मेडिकल फील्ड यानी रेड बायोटेक, मेडिकल फील्ड यानी कि रेड बायोटेक में कुछ यूज बता देता हूँ, किसके बायोटेक में कुछ यूज बताना चाह रहा हूँ बायोटेक के मेडिकल फील्ड में। देखो मेडिकल मेडिसिन प्रोडक्शन में ज़्यादातर यूज होता है, मेडिसिन प्रोडक्शन में, मेडिसिन प्रोडक्शन में हम ट्रीट मेडिसिन प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं और डिजीज के डायग्नोस्टिक में यूज कर सकते हैं कि डिजीज हम कैसे पता कर सकते हैं, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो जब मेडिकल फील्ड में बायोटेक का यूज होता है तो उसको रेड बायोटेक हम कहते हैं। देखो यहाँ पर हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे जो कि हमें क्या देंगे, मेडिसिन प्रोडक्शन करने को देंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो आज समय तक ट्रांसजेनिक जो भी जीव बने हैं सभी पारजीनी जीवों में, ट्रांसजेनिक को क्या बोलते हैं पारजीनी जीव, जिनमें दूसरी जीन होती है किसी और ऑर्गेनिज्म की, सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। 95% से एक्सपेरिमेंट जो 95% से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उनमें किन का प्रयोग किया गया है, चूहों का ही प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, चूहों को सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो माना जाता है सबसे ज़्यादा, हालांकि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है वो चूहा ही है, याद रखना ये भी याद नोट कर लेना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, माउस ही है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो अपना किस में होता है, माउस पे ही किया जाता है मेडिकल फील्ड में। जब भी कोई दवाई का या किसी भी वैक्सीन का या किसी भी नए ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट होता है तो वो चूहों पर ही किया जाता है, ये ज़्यादातर 95% एक्सपेरिमेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट शीप यानी भेड़ों पर, गाय पे, बकरी पे, सुअर आदि पे भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चूहों। तो पूछ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक एनिमल या मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन से यूज होते हैं, बायोटेक का प्रयोग सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग का किस में किया जाता है, तो वो चूहों पर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बताऊंगा जीव जिनको ट्रांसजेनिक बनाया गया है, उनमें किसी ना किसी फैक्टर की जीन ट्रांसफर की हुई है और उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ ना कुछ एक आध एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक शीप बनाई गई यानी कि पारजीनी भेड़, उसमें हमने एक जीन ट्रांसफर की है, वो ह्यूमन की जीन है, ह्यूमन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। कौन सी जीन है, 8th/4th क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, जिसे अपने ब्लड को थक्का बनाने के लिए अलग अलग क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर इनएक्टिव हो जाते हैं जीनिक बैलेंस के कारण, तो उनके ब्लड एक बार अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया चोट लगे वहां से तो वो कभी भी वापस बंद नहीं होगा और उनकी मौत हो जाती है। ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया डिजीज में 8th/4th फैक्टर की जो जीन है वो उस जीन को ट्रांसफर किया है किस में, भेड़ में, और उससे क्या फैक्टर का मतलब यहाँ केमिकल ही होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर का मतलब केमिकल होते हैं, वो भी 8th/4th फैक्टर उनको बोलते हैं, वो केमिकल को हम ऑब्टेन करते हैं ट्रांसजेनिक शिप से। ठीक है, उसके ब्लड से, शीरम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं 8th/4th फैक्टर को, क्योंकि हमने ह्यूमन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो कि 8th/4th है उसकी जीन को ट्रांसफर किया है भेड़ में। अब भेड़ के ब्लड में वो जीन के काम के दौरान जो फैक्टर बने हैं, केमिकल बने हैं, उनको हम भेड़ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ट्रांसजेनिक शीप बनाई गई है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ट्रांसजेनिक शीप, दूसरे नंबर पे है यहाँ पर ट्रांसजेनिक काऊ। ट्रांसजेनिक काऊ यानी कि पारजीनी गाय, मतलब गाय में भी हमने कोई ना कोई जीन इंसर्ट कराई है, वो कराई है ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन। लैक्टोफेरिन जीन एक है, लैक्टोफेरिन जीन ये याद रखना
ये कौन सी डिजीज को क्योर करने में काम आती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को ये काम करने में मदद करती है। अब देखो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें सारी डिजीज के बारे में बताऊंगा तो फिर वो डिजीज वाला चैप्टर हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज एक ह्यूमन में होती है और लैक्टोफेरिन की कमी से होती है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन को काओ में ट्रांसफर कर दिया है, तो उसके दूध या ब्लड से हमने ह्यूमन लैक्टोफेरिन को प्राप्त कर लिया है। उस ब्लड से या दूध से हमने किसका इलाज संभव किया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक काउ, एक और गाय है ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम है रोजी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। रोजी ये एक गाय, कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि रोजी क्या है, तो रोजी क्या है, गाय है। अब इस गाय में क्यों बनाई गई है ट्रांसजेनिक गाय, क्योंकि याद रखना गाय के दूध में एल्बुमिन की मात्रा बहुत कम होती है, और अगर उसमें एल्बुमिन की मात्रा बढ़ानी है तो गाय के अंदर हमें ह्यूमन के लैक्टो एल्बुमिन जीन को प्रवेश करवाना पड़ेगा। तो ह्यूमन के जो मिल्क होता है, लैक्टोज होता है ह्यूमन मिल्क, उसमें एल्बुमिन ज्यादा होता है, तो हमने ह्यूमन की लैक्टो एल्बुमिन जीन को ट्रांसफर किया है गाय में, और उस गाय को बोला है रोजी, ठीक है। रोजी एक गाय है, ट्रांसजेनिक गाय है। अब जब ह्यूमन लैक्टो एल्बुमिन जीन गाय में प्रवेश करेगी तो गाय में एक्टिव होने के बाद उसके दूध में जो एल्बुमिन की मात्रा है वो 2.4 ग्राम पर लीटर हो जाएगी, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन राजस्थान में FSO एग्जाम 2020 में पूछा गया है, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि रोजी क्या है, तो रोजी क्या है, एक गाय है, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर पे एक बार फिर से ट्रांसजेनिक सीप बनाई गई है, यानी कि एक पारजीनी भेड़ बनाई गई है, उसमें हमने जीन ट्रांसफर की है अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जीन, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जीन, ठीक है, एंटी ट्रिप्सिन जीन बनाई। अब इसके बारे में ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि एंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी कि जो कि आमाशय में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जीन किस रूप है, एम्फाइसीमा डिजीज, एम्फाइसीमा डिजीज एक जैसे कि पेट फूल जाता है गैस से या सूजन आ जाता है पेट में, ठीक है, ब्लोटिंग हो जाती है, उस डिजीज को बोलते हैं एम्फाइसीमा डिजीज। वहां पर एंटीट्रिप्सिन जीन जो होती है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जीन, उससे एंटीट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है वो निकलता है और वहां पर पाचन में मदद करता है, जिससे कि ब्लोटिंग नहीं होती है और डिजीज भी क्योर हो जाती है। एम्फाइसीमा अगर किसी को हो गए तो उसको एंटीट्रिप्सिन देना पड़ेगा, अल्फा एंटीट्रिप्सिन देना पड़ेगा, तो वो हमें ज्यादा अवेलेबल करवाने के लिए उसकी जीन हमने डायरेक्ट किसमें ट्रांसफर कर दिए, शिप में ट्रांसफर कर दिए। अब शिप के ब्लड से या हम बोल दें कि उसके दूध से हम प्राप्त कर सकते हैं अल्फा एंटीट्रिप्सिन और उसका मेडिकल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पे यहाँ पर ट्रांसजेनिक गोट, यानी कि पारजीनी बकरी, ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक गोट में क्या किया है हमने, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एक इसको बोलते हैं TPA जीन, ये भी याद रखना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग। देखो अगर अपने शरीर में कहीं भी ब्लड क्लोट बन जाता है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हार्ट में, ब्लड क्लोटिंग कहाँ पे रोकी जाती है, हार्ट में सबसे ज्यादा होती है, और हार्ट में और एक होता है हेड में, ठीक है, ब्रेन में और हार्ट में ब्लड क्लोटिंग हो जाए तो ये फटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे एक्टिवेटर होते हैं जो कि ब्लड क्लोट को कम करते हैं ब्लड वेसल्स में और हार्ट डिजीज में। तो हार्ट डिजीज हार्ट में और ब्लड की वेसल्स में अगर कोई क्लोट जम जाता है तो वहां पर हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन उसको देते हैं, वो एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाता है और उससे क्या होता है, ब्लड क्लोट को नष्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम वापस स्वस्थ हो सकते हैं ब्लड क्लोट को हटा के, ठीक। तो हार्ट डिजीज में काम आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन, ठीक है। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन हमें कहाँ से मिलेगा, अब हमें बकरी से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाने वाली TPA जीन को किसमें ट्रांसफर कर दिया है, बकरी में या गोट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक गोट का काम है। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक पिग यानी कि हमने इसमें भी जीन ट्रांसफर किए, वो किए ह्यूमन एंटीजन जीन, एंटीजन जीन जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जब हम किसी भी ऑर्गन को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, स्किन ट्रांसप्लांटेशन हो गया,
या फिर कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और उस एक्टिवेशन की वजह से उस ऑर्गन को वो क्या कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है, और जिससे क्या होता है परेशानियां और बढ़ जाती है। इसलिए हमें ह्यूमन एंटीजन जीन का उपयोग करना पड़ेगा। अभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको सीरोलॉजी के माध्यम से ज्ञात करते हैं, वो हम सीरोलॉजी यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। एंटीजन एंटीबॉडी अगर पढ़नी होगी तो ह्यूमन जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कि जूलॉजी का पोर्शन है, प्योरली जूलॉजी का, ह्यूमन जूलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का प्रोसेस है, वो यहाँ पर आपके कोई काम का नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसजेनिक पिग में किस ह्यूमन एंटीजन की जीन हमने ट्रांसफर की है, और वो किस लिए यूज होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 7वें नंबर पे बहुत सारे एनिमल है, जैसे ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक सीप, ट्रांसजेनिक चिकन। ये सब देखो, फिश को भी हम खाते हैं, खाने में यूज होते हैं, सुअर भी खाए जाते हैं, बकरी खाई जाती है, भेड़ खाई जाती है, चिकन खाया जाता है, ये सब मीट के पर्पज से हमने क्या किया, इनका ट्रांसजेनिक बनाया, इनको मीट के पर्पज से ट्रांसजेनिक हमने बनाया है। जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन की जीन इनमें इंट्रोड्यूस करवा दी, अब देखो एक चिकन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। ग्रोथ हार्मोन की जीन अगर एक्टिवेट हो गई चिकन में, तो जहां 5 किलो का होता है वहां 10 किलो मास प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वैसे जितना वो नॉर्मल ग्रोथ करता है उससे ज्यादा, नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ करेगा, और उससे मास का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और इसका बेसिकली यूज फूड प्रोडक्शन में होता है। तो ट्रांसजेनिक जीवों का यूज हम क्या कर सकते हैं, फिश की साइज बढ़ाने में, पिग, गोट, शिप, चिकन, इनकी बॉडी वेट या वॉल्यूम या साइज बढ़ाने में हम यूज कर सकते हैं, अगर इनमें हम ग्रोथ हार्मोन की जीन को एक्टिवेट कर दें या डाल दें, तो ये फूड कंजप्शन के लिए हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए और कमेंट भी जरूर करिए, ताकि मुझे पता रहे कि और क्या पढ़ाना है और आप बता सकें मुझे। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।